guys, this is interior designer Anushree here and you are watching Magic Cubes. आज हम फिर से बात करने वाले हैं इंटीरियर पेंट्स के बारे में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि अभी कुछ ही महीने हुए हैं हमने YouTube पे वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट किया है, पर आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने मैजिक क्यूब फैमिली के लिए कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करूं जिससे वो प्रोडक्ट के बारे में और भी अच्छे तरीके से जान सके। इसीलिए फ्रेंड्स आज हम पहुंचे हैं पूना की एक पेंट शॉप बनारस हार्डवेयर्स में, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे इन चार पेंट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इनेमल पेंट के बारे में, जो कि एक ऑयल बेस्ड पेंट है। इनेमल पेंट का यूज वुड और मेटल को पेंट करने के लिए होता है। इनेमल पेंट में अच्छी बात ये है फ्रेंड्स कि स्टेन्स लगने पर आप साबुन और पानी से वॉल को अच्छे से वॉश कर सकते हैं और फिर से नए जैसा बना सकते हैं। इनेमल पेंट वॉशेबल होने के साथ साथ बहुत ही ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग भी है। अब हम बात करते हैं इनेमल पेंट के कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में। तो पहला तो ये है फ्रेंड्स कि इनेमल पेंट ग्लॉसी फिनिश देता है, इसीलिए ज्यादातर लोग अपने घरों की दीवारों पर इसे अप्लाई करना अवॉइड करते हैं। पर यदि आपको शाइनी वॉल फिनिश पसंद है और आप कम बजट में वॉशेबल और ड्यूरेबल पेंट चाहते हैं तो आप इनेमल पेंट के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। दूसरा, इनेमल पेंट ऑयल बेस्ड होने के कारण इसे सूखने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। अब हम बात करेंगे कि इस पेंट को अप्लाई करने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। मेक श्योर फ्रेंड्स कि आप जिस भी सरफेस पर इनेमल पेंट अप्लाई कर रहे हैं वो पहले से ड्राई होनी चाहिए। ये मैं आप सबसे इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इनेमल पेंट अप्लाई करने के बाद सरफेस पे एक मेम्ब्रेन मतलब एक परत बन जाती है कलर की, जिससे कि जो अंदर वाली सरफेस है वॉल की जो सरफेस रहेगी वो नॉन ब्रिथेबल हो जाएंगी। तो अगर आपकी वॉल पहले से ड्राई नहीं है, उसमें नमी है, तो फिर बाद में आपके पेंट की पपड़ी निकलना शुरू हो जाएगी। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ऑयल बेस्ड पेंट वॉल पर इनेमल पेंट लगाया जा सकता है या तो फिर प्राइमर लगाने के बाद भी इनेमल पेंट को अप्लाई किया जा सकता है, जिससे कि सिंगल कोटिंग में भी बहुत अच्छी फिनिश आ जाएगी। इस पेंट को पतला करने के लिए टर्पेंटाइन ऑयल मतलब टारपिन तेल का यूज करें। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स लस्टर पेंट के बारे में, जो कि एक सॉल्वेंट बेस्ड मतलब ऑयल बेस्ड पेंट है। यहाँ पे हम नैरोलैक ब्रांड के लस्टर पेंट्स देख रहे हैं। यदि हम लस्टर पेंट के पॉजिटिव फीचर्स के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो ये पेंट की बहुत ज्यादा स्मूथ फिनिश आती है और ये पेंट काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। ये पेंट लगाने के बाद तो फ्रेंड्स आपको कुछ सालों तक पेंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनेमल पेंट की ही तरह लस्टर पेंट भी वॉशेबल और स्टेन रेजिस्टेंट है। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं या पेट्स हैं जो अक्सर दीवारें खराब कर देते हैं तो आप लस्टर पेंट लगा सकते हैं। पर एक एडवाइस मैं आप लोगों को दूंगी फ्रेंड्स कि यदि आप पेंट को लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका पेंट कई सालों तक टिके और पेंट भी कम यूज हो, तो आप पेंटिंग करवाने के पहले एक कोट प्राइमर का लगा लीजिए, उसके बाद पेंट को अप्लाई कीजिए। प्राइमर खरीदने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका पेंट वाटर बेस्ड है या ऑयल बेस्ड है। जैसे यदि आप कोई ऑयल बेस्ड पेंट वॉल पे अप्लाई करने वाले हैं
तो उसके पहले आपको ऑयल बेस्ड प्राइमर अप्लाई करना होगा। और यदि आप वाटर बेस्ड पेंट अप्लाई करने वाले हैं, तो उसके पहले आपको वाटर बेस्ड प्राइमर ही लगाना पड़ेगा। लस्टर पेंट मार्केट में आपको कई सारे कलर्स में मिल जाएंगे। अभी जो आप मशीन देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बेसिकली कलर बनाने के लिए काम में आती है। यदि कोई पर्टिकुलर कलर आप चाहते हैं अपनी थीम के अकॉर्डिंग, तो आप शॉप से कस्टमाइज करवा कर भी मंगवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं लस्टर पेंट के कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में। इस पेंट में एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि इसे अप्लाई करने के बाद इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, जिसे नॉर्मल होने में कुछ हफ्ते लग जाते हैं। बट इसकी एप्लीकेशन स्मेल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ पेंट ब्रांड्स ने वाटर बेस्ड लस्टर पेंट भी लॉन्च किए हैं। दोनों ही पेंट्स काफी ड्यूरेबल है। अब हम बात करते हैं लस्टर पेंट के कॉस्ट के बारे में। यहाँ पे हम नैरोलैक ब्रांड के लस्टर पेंट्स देख रहे हैं। 1 लीटर वाले ऑयल बेस्ड लस्टर पेंट की एमआरपी इसमें 272 रुपीज लिखी हुई है, और 1 लीटर वाले वाटर बेस्ड लस्टर पेंट की एमआरपी 373 रुपीज इसमें मेंशन की हुई है। पेंट की प्राइस कंपनी टू कंपनी अलग अलग रह सकती है, मगर यदि आप नैरोलैक ब्रांड के कोई भी पेंट को खरीदते हैं, तो इस शॉप से आपको 5-25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपको कोई बजट की प्रॉब्लम नहीं है और आप ऐसा कोई पेंट चाहते हैं जो सालों साल तक फ्रेश लगे, तो आप लस्टर पेंट की ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर में हम बात करते हैं टेक्सचर पेंट की, जो इन दिनों इसके लुक्स के कारण काफी ट्रेंड में है। किसी पर्टिकुलर वॉल को हाईलाइट करने के लिए इसका यूज होता है, जैसे कि टीवी यूनिट वाली वॉल, बेड के बैक साइड की वॉल, सोफे के पीछे की वॉल, पूजा यूनिट की मेन वॉल, एंट्रेंस वाली वॉल, और भी बहुत सारी जगहों पर टेक्सचर पेंट का आप यूज कर सकते हैं। टेक्सचर्ड पेंट नॉर्मल सारे पेंट से थोड़ा गाढ़ा होता है। इसे वॉल पे लगाने का तरीका भी बाकी नॉर्मल पेंट से डिफरेंट ही होता है। पहले तो टेक्सचर पेंट को आपको वॉल पर अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास कई सारे ऑप्शंस होंगे। आपने जैसे भी डिजाइन सोच के रखी है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे टूल्स मार्केट में मिलते हैं। उसके बाद अलग अलग पैटर्न्स के रोलर ब्रशेस, उनको भी आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्पंजेस की हेल्प से भी वॉल पर टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। इस पेंटिंग टेक्निक के कारण ही इसे टेक्सचर पेंट कहते हैं। टेक्सचर पेंट यूजुअली वाटर बेस्ड पेंट है। ये काफी लॉन्ग लास्टिंग रह सकता है अगर इसे अच्छे से मेंटेन किया जाए तो। अब हम बात करते हैं टेक्सचर पेंट के प्राइस के बारे में। तो यदि आप एक अच्छे ब्रांड का टेक्सचर पेंट लेना चाहते हैं, तो इसकी स्टार्टिंग 600 रुपए पर लीटर से होती है। इस पेंट के साथ आप प्रॉपर सीलिंग लाइट और स्पॉट लाइट को यूज कर आसानी से अपने घर को एक क्लासिक लुक दे सकते हैं। अब हम जानते हैं हमारे लास्ट पेंट के बारे में, जो कि है मेटालिक पेंट। अभी आप लोग देख रहे हैं नैरोलैक कंपनी का मेटालिक पेंट। इसकी एमआरपी 767 रुपीज इस कंटेनर पे मेंशन की हुई है। इस पेंट में भी आपको बहुत सारी कलर वैरायटी देखने को मिल जाएगी। यदि आप डिस्काउंटेड प्राइस में कोई कलर इस शॉप से खरीदना चाहते हैं, तो इस शॉप का एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। तो आज हमने डिटेल में जाना इन 4 इंटीरियर पेंट्स के बारे में। आज की वीडियो हेल्पफुल बनाने के लिए मैंने आप सब लोगों के लिए बहुत सारी मेहनत की है।
इसीलिए वीडियो को जरूर लाइक करिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और यदि आप भी मैजिक क्यूब फैमिली के मेंबर बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि सारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।